टाइमिंग लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियान लेज़र, तो ये टाइप्स ऑफ लेज़र है, लेज़र के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है हीलियम नियान लेज़र, ठीक है। तो हीलियम नियान लेज़र द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित किया जा रहा है उसका तरंग दैर्ध्य कितना है, 632.8 नैनोमीटर। तो उत्सर्जित शक्ति भी दिया है यानी पावर 9.42 मिलीवाट। तो प्रकाश किरण पुंज में तीन क्वेश्चन इसमें दिए हैं। पहला कहा है कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए, दूसरा कि इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटॉन, यानी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि कितने फोटॉन पहुँचेंगे एक सेकंड में। उसके बाद कहा है कि अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हो और उसको फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करना हो तो उसे कितनी तेज चाल से गति करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम वन बाय वन करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व, फोटॉन का संवेग निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ का रिलेशन होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है। तो हमें यहाँ से पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू एच अपान लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आपके पास दे रखी है ना, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एच का मान हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई लेमडा। ध्यान से देखिएगा 632.8 नैनोमीटर है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा, 6.32 इंटू 10 पावर -7, सही है, सही है ना, नैनोमीटर में करेंगे -7 -9 हो जाएगा और फिर 2 डिजिट हम लोग क्या किए डायरेक्ट कर दिए, तो इतना आ गया। तो अब पॉइंट से आप पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए और पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा तो 663 डिवाइडेड बाई 632 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितना हुआ, 34 और -7 -27, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट में देख लीजिए 1.05 इंटू 10 की पावर -27 की ग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब आपके पास संवेग मिल गया पी, तो पी जब कैलकुलेट हो गया तो एनर्जी कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी तो ना हो सिंस ई बराबर क्या होता है हमारे पास, एस न्यू, ई बराबर एस न्यू और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस इंटू न्यू की जगह पे सी बाई लेमडा, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो ई इज इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस अपान लेमडा इंटू सी, सही है ना, और एच अपान लेमडा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इतना पुट कर दीजिए सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ई इज हो गया, तो ई इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा एच अपान लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे, जो फोटॉन का संवेग था वही आपका एच अपान लेमडा था, तो कितना आया था 1.05 इंटू 10 की पावर कितना था -27 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10 पावर 8 ना, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 15 = 5, 3 × 0 = 1, 3 × 1 = 3, तो 3.15 × 10^5 कितना हुआ 27 और 8 = 19 क्या जूल, ठीक है। और इसे अगर आपको ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3.15 इंटू 10^-19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10^-19, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 10^-19 से 10^-19 कैंसिल आउट और 16 × 32 3.15 है, इसे 3.2 अप्रॉक्सीमेट पर कंसिडर करके फुर्सत आउट, मतलब कि कितना आ गया 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस हो गया, नोट डाउन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन में हो गया तीसरा, नहीं दूसरा, पहला तो हुआ ही अभी, ऊर्जा और संवेग हम लोग ज्ञात किए ना दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बोला था, यही तो दिक्कत है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है
इसमें कहा है आपकी नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कीजिए ना, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और दिया क्या है इसमें आपके पास, पावर दे रखा है पी, तो पी कितना दिया है, पी इज इक्वल टू कितना दिया है, पी 9.42 इंटू, बस इतना ही दिया है, 9.42 मिली वाट। तो मिली वाट को पहले आप वाट में चेंज कर लीजिए, तो पी इज इक्वल टू 9.42 इंटू 10^-3, ये क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, तो पी आपके पास आ गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और क्या कहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रति सेकंड, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंस क्या होता है, सिंस पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है ना, शक्ति सामर्थ्य, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टेकन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, तो डब्ल्यू ही वर्क क्या है, वर्क एक प्रकार की एनर्जी है, तो ई डिवाइडेड बाई टी। E की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना, कितना मिला था आपको तो उसमें बताइए, जूल में 3.12, ठीक है 15, तो देखिएगा, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो इसे लिख सकते हैं E अपॉन T। अब यहाँ पे E जब लिख रहे हैं, तो जब हम लोग कहे थे कि जो फोटॉन की तीव्रता होती है, ध्यान से देखिएगा, तो फोटॉन की तीव्रता I की हम लोगों ने बात की थी, तो I को हम लोगों ने बताया था N इंटू एच न्यू। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी होती है, एनर्जी में एन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाई पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो एन ध्यान से देखिएगा, जो एन है, एन के बारे में आप जितना समझ रहे हैं, फोटॉन की संख्या केवल नहीं है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन की संख्या है। ठीक है, अगर आप इसे केवल फोटॉन की संख्या बताएंगे तो यूनिट में डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पर सही से आप लोग लिख नहीं पाएंगे, मतलब कि जो लिखेंगे वो रॉन्ग यूनिट रहेगी। तो एन क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन की संख्या। ठीक है, तो डब्ल्यू की जगह पर हम मतलब ई लिख रहे हैं, तो ई को क्या लिखेंगे, एन इंटू ई, सही है ना, कहाँ से कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वर्क डन एक प्रकार की एनर्जी है, तो एन इंटू ई। अब तो P इज इक्वल टू, प्रति सेकंड की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू N इंटू ई, प्रति सेकंड के लिए T इज इक्वल टू 1 सेकंड रख दिए ना, 1 सेकंड, तो N निकालना है, तो N इज इक्वल टू P अपान E। देखिए सब शॉर्टकट तरीके से हो रहा है, मतलब कि दिमाग का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कैलकुलेशन का कम। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी थी, P की वैल्यू 1.05 इंटू 10^ वही तो कह रहे हैं, मार खाओगे अभी ना, सनवेग थोड़ी है, पावर है, अभी तो सब गड़बड़ करा देती। ठीक है, 9.42 है पावर, 9.42 ठीक है इंटू 10^-3 और डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितना आया था, 3.15 इंटू 10^-19, देखकर बोलो भाई, -19, इसीलिए मैं बोर्ड में जल्दी से क्वेश्चन इरेज नहीं करता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से ईमानदारी से देखिएगा। ठीक है, तो 3 * 9 कैंसिल आउट, अगर ये 15 की जगह पे 14 होता तो 14 * 3 = 42 कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसे अप्रॉक्सीमेट में काट दीजिए, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 3 * 10^-3 और +19, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, आंसर दे रहा है 3.0 × 10^16 फोटॉन्स कब, फोटॉन प्रति सेकंड, आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट सहित, तो ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन। का मास कितना होता है आपका, 1.66 × 10^-27 kg। तो मास पहले पता होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब हम लोग संवेग निकालने जा रहे हैं। तो नाउ सिंस क्या होता है, सिंस P बराबर M इंटू वी, और V हमें कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू P अपान M, M का मतलब mh से है, तो P, अब संवेग कौन सा होना चाहिए, जो फोटॉन का संवेग है, कितना है, 1.05 × 10^-27 kg डिवाइडेड बाई
कि ग्रा मीटर स्क्वायर, यूनिट मत लिखिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट लास्ट में आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एम एच 1.66 इंटू 10^-27। तो 10^-27 कैंसिल आउट, ठीक है, कितना आ गया, तो V इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो 105 में डिवाइड कर दीजिए 166 का और आंसर आ जाएगा, कट कर लीजिए, ठीक है। तो 105 डिवाइड करना किससे, 166, कितनी बार जाएगा, पॉइंट बार, तो जीरो लगाओगे 1050 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 16×96, ठीक है, शायद 6 बार, तो 6×36 = 6, 6×36 = 39, 6×9 = 6×3 = 9, वेरी गुड, ठीक है, 10 में 6 गए 4, 14 में 9 गए 5, और तो कुछ नहीं बचा ना, 54, तो 540 अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, 16×3 = 48, 480 तीन बार, तो 3×18 = 8, 3×18 = 19 = 9, 3×3 = 4, 10 में 60 गए 2, इधर कितना बचा, 13 में 9 गए 4, तो 420 अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो आपके पास आ गया है कितना, 0.632 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा फ्लक्स है, ऊर्जा फ्लक्स दे रखा है, ऊर्जा फ्लक्स का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी से है कि इतनी इंटेंसिटी सूर्य की पड़ रही है जो भी है, तो 1.388 × 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर, तो लगभग कितने फोटॉन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं ना। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है वो फोटॉन्स के रूप में ही आता है, ठीक है, तो इंटेंसिटी दे रखा है और इस इंटेंसिटी में आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है निकालने हैं, ठीक है। यह मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में फोटॉन का औसत तरंग दैर्ध्य 550 नैनोमीटर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या दिया है, 1.388 × 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इंटेंसिटी है आई ना। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सिंस हम लोग जानते हैं ना, सिंस वी नो दैट क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है आई इज इक्वल टू एन इंटू क्या होता है, एस न्यू, एन इंटू एस न्यू, जहाँ एस न्यू फोटॉन की ऊर्जा और कैपिटल एन क्या है, प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन की संख्या, ठीक है, हमें एन कैलकुलेट करना है और आई की वैल्यू दे रखा है, तो 1.388 × 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन आपको कैलकुलेट करना है और एच की वैल्यू आपको पता होती है, न्यू की वैल्यू ही पता है, तो एच इंटू न्यू हमारे पास नहीं पता, हमें पता क्या है, वेवलेंथ लेमडा कहाँ गया, 550 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ लेमडा की जगह क्या, तो सी की जगह क्या रखेंगे, न्यू की जगह पे सी बाई लेमडा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कीजिए एनर्जी के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो, एच सी अपान लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, तो और एच सी अपान लेमडा आप लोग एच सी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको रख दिया कीजिए अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, तो 1.388 × 10³ इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू एच सी, ठीक है, एच की वैल्यू 6.63 ना, इंटू ध्यान देखिएगा 10^-34 इंटू सी की वैल्यू 3.0 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा 550 नैनोमीटर, तो इसको लिखेंगे 5.50 × 10⁻¹⁷ मीटर, सही है ना। तो यूनिट आप मत लिखिए, मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ चेंज करके, तो यूनिट डायरेक्ट है जो हम लोग एन की यूनिट लिखेंगे, तो कितना हो गया, कुछ कटा वटा, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि कुछ कटने वाला नहीं है, केवल पावर्स एडजस्ट होंगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 1.388 × 10³ इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा इस 3 से आप इसको काट सकते थे, रहन दीजिए नहीं कट रहा है, तो 3×9, 3×18 = 8 और 3×18 = 19, 19.89
गुणते 10 की घाते माइनस 34 प्लस 8 नहीं। अच्छा इसको भी जोड़िए क्या, सात इधर भी जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा और 19, तो माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 5.50, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। हाँ तो कौन सा, हाँ चलने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे देखिए, हम सॉल्व कर दे रहे, ऊपर जगह है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.38 पॉइंट है यहाँ पे, इज़ इक्वल इंटू 10^3 इंटू 10^3 इज़ इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बसा है, देखिएगा, तो यहाँ पर जब 55 करेंगे तो 1 इसमें और बढ़ जाएगी ना, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1989 और डिवाइडेड बाई 55 गुणते 10 के घाते माइनस 20। अरे ये 10 है ना, 10 का मतलब 10^+1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 19 = 20 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ले गए, ऊपर इसी को ले गए ना, इसी को डायरेक्ट ऊपर ले गए, तो 10^-1 हो जाएगी। अभी यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब 10^+1 और ऊपर जाएगा 10^-1 हो जाएगा, तो -19 है, एक और जुड़ जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एन का कैलकुलेशन भूल गए, वेरी गुड, कैपिटल एन हर जगह मल्टीप्लाई में था ना, तो कैपिटल एन यही आपको निकालना था, तो कैपिटल एन बराबर कितना आ गया, इधर ही सॉल्व कर लीजिए, तो एन इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 1.38 इंटू 55 और मल्टीप्लाइड बाई 10^3 और पूरे का डिवाइड बाई, ये वाला डिवाइड में आएगा, तो 1989 इंटू 10^-20, ठीक है, कितना आ गया। तो इसमें आप देखिए, इसको एडजस्ट कीजिए, इसको जब हम लोग राउंडिंग आप करेंगे अच्छे से देखिएगा ईमानदारी से, तो 1.38 इंटू 55 भी है, ठीक है, इंटू 55 मल्टीप्लाइड बाई 10^+3, जब इसका हम राउंडिंग आप करने जा रहे हैं तो 1 2 3 डिजिट हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो इसे लिखेंगे 1.989 इंटू 10^ कितनी हो गई, तो -20 थी, जब 3 डिजिट लेफ्ट में आया तो 17 बचा, -17, और जब इसका राउंडिंग आप करेंगे, ठीक है, तो 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 55 इंटू 10^+3 है, और यहाँ से कितना बचेगा, तो 1.9 को क्या लिख सकते हो, 2 अप्रॉक्सीमेट में, क्यों, क्योंकि अगर आपको राउंडिंग आप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 डिजिट तक लिख रहे हो, और रूल ये है कि अगर ये वाली संख्या जिसे छोड़ रहे हो आप 5 से बड़ी हुई तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो जब जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 × 10^-17, अब इसे आप आसानी से काट सकते हो, तो 2 × 6 = 12 0.6 और कितना बचा, 18 हो गया, 2 × 9 = 18, ठीक है, तो 0.69 में आप 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर कितना हो गया, 10^20 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो 0.69 मल्टीप्लाइड बाई 55, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, एक बार कर दोगे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 × 9 = 45 का 5 और 5 × 6 = 30, 30 × 4 = 34, ठीक है, 34 आ गया ना, और उसके बाद फिर से वही लिखना पड़ेगा, तो 345, तो 5 × 9 = 7 और 3 कैरी, तो 2 डिजिट पहले कैरी, तो 37.95, तो कितना आ गया, तो देखिएगा 37.95 गुणते 10^20, तो इसको राउंडिंग आप करेंगे 7 को इधर ले आएंगे यानी पॉइंट को, तो 3.8 इंटू 10^21, ठीक है, क्या आंसर लिखना है, फोटॉन, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड।